डिंडौरी जिले में इस बार खुद भगवान ही फर्जीवाड़े का शिकार हो गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन हथियाने के लिए आरोपी भगवान राधा कृष्ण का पिता बन बैठा और तत्कालीन राजस्व अमले के साथ मिली भगत कर करीब 30 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली। दरअसल अमरपुर के रामगढ़ स्थित रानी अवंतीबाई किला परिसर में श्री राधा कृष्ण मंदिर के नाम से अभिलेखों में 30 एकड़ जमीन दर्ज थी। साल 1964 तक ये जमीन श्री राधा कृष्ण मंदिर के नाम से ही थी, लेकिन उसके बाद जालसाजों ने राजस्व अमले व अधिकारियों के साथ मिली भगत कर बड़ा खेल करते हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर का नाम खसरे से हटा दिया। इतना ही नहीं, दस्तावेजों में भगवान श्री कृष्ण को इंसान बना दिया गया और उनके पिता का नाम दिगंबर दर्ज कर बेशकीमती जमीन चार हिस्सों में बांट दी। इस जमीन की कीमत 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, जिसे अभिलेखों में हेरा फेरी कर साल 2018-19 में राधा कृष्ण पिता दिगंबर, भगवान पिता दिगंबर, सखाकार पिता दिगंबर, होशियार सिंह पिता दिगंबर के नाम से दर्ज करा दिया गया था। फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब कलेक्टर रत्नाकर झा वीरांगना रानी अवंतीबाई के जमींदोज हो रहे रामगढ़ किले को पर्यटन स्थल में विकसित करने की रूपरेखा बना रहे थे। सरकारी दस्तावेजों में यह बड़ा खेल देखकर कलेक्टर भी दंग रह गए और उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम से फर्जीवाड़े की जांच कराई। जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद प्रशासन ने उक्त जमीन को वापस अभिलेखों में श्री राधा कृष्ण मंदिर के नाम से दर्ज कर दिया है। रानी अवंतीबाई के महल रामगढ़ से जुड़ा मामला होने के कारण मामले को लेकर प्रशासन पूरी गंभीरता बरत रहा है। और वो कालांतर में 2018-19 में 4 भूमि स्वामी के नाम से दर्ज कर दी गई थी, जिसको आज दुरुस्त कर दिया गया। पुनः जो है राधा कृष्ण स्वामी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर के नाम से उनको दर्ज कर दिया गया और तहसीलदार को आदेश दिया गया है कि किस पटवारी ने और कहां गड़बड़ी हुई इसकी जांच करने के लिए। इसके पूर्व में भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी कुछ त्रुटि पाई गई थी रिकॉर्ड में, उसको यथावत त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से दर्ज कर दिया गया। सर, ये गड़बड़ी करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? सर बिल्कुल कार्रवाई होगी, इसमें तहसीलदार को निर्देश दिया गया है कि किस पटवारी के द्वारा 2018-19 या उसके पहले किया गया है इसकी जानकारी, इसकी जांच करें और जो भी जांच सामने आएगी उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अमरपुर वाले प्रकरण में किस टाइप की गड़बड़ी हुई थी? नाम भगवान के नाम का, पहले तो भगवान के नाम से था लगातार, भगवान वहाँ मंदिर भी है, लेकिन कालांतर में पहले सर्वराकार का नाम जुटा और सर्वराकार के बाद 2018-19 की एंट्री में जो है 4 भूमि स्वामी के नाम दर्ज हो गए, जिसकी जानकारी कलेक्टर सर को मिली, एडीएम सर को मिली, फिर उन्होंने जानकारी निकलवाई और पूरे मामला जो है सामने आया। तो वो जो भूमि स्वामी है वो भी भगवान के नाम पे ही कुछ ऐसा, वो अब भूमि स्वामी जो है भगवान के नाम पे आज कर दिया। यहाँ जो है कि जो भी आपको बताया तो वो राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, जिसको रानी गणेशी बाई ने लगभग 1937 में वो मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें 50 एकड़ जमीन उसमें लगी हुई थी उसके देख रेख करने के लिए, जो देख रेख करेगा, मूर्ति व्यवस्था करेगा, पूजन पाठ करेगा, उसके लिए 50 एकड़ जमीन लगी हुई थी। 50 एकड़ के बाद फिर आज की तारीख में वहाँ मात्र 30 एकड़ जमीन है और 30 एकड़ जमीन जो है अभी लाल दिगंबर शरण सिंह के जो लड़के हैं होशियार सिंह शाहपुर में रहते हैं, ये उसके सरबराहकार हैं और उनके संरक्षण में वो है और ये इसी गांव का जो टोला है बांका टोला वहाँ ये जमीन स्थित है। बता दें कि कलेक्टर रत्नाकर झा मंदिर ट्रस्ट की जमीनों को लेकर विशेष अभियान चला रहे हैं और अब तक उन्होंने जिले भर में आधा दर्जन से अधिक मंदिरों की जमीन में की गई मनमानी पर कार्रवाई भी की है। ढिंडोरी से दीपू ठाकुर की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।